आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने भी रेलवे एलपी और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म भरा है, लेकिन फोटो और सिग्नेचर करेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से मेला है, या टेक्नीशियन का या एलपी का? तो अगर इसको लेकर आप परेशान हैं तो इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि रेलवे का इस पर क्या कहना है और आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर है, मैंने एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों फॉर्म भरे थे, बट यहाँ फोटो और सिग्नेचर सेम, क्योंकि सेम ही अपलोड हुआ था एलपी में। एक बार आपने अकाउंट बना लिया, दूसरा अकाउंट आपको बनाना नहीं था, बट ये कह रहे हैं टेक्नीशियन का मैसेज आया है करेक्शन के लिए। और ऐसी प्रॉब्लम आपको इस कमेंट सेक्शन में दिखेगी, देखिए सेम हीयर, ऐसे कई सारे कमेंट आपको वीडियो में दिख जाएंगे। तो आइए डिटेल में ही इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो, एंड रेलवे की तरफ से क्या मिस्टेक हुई जो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें। बात करने वाले रेलवे आरपीएफ एंड आरपीएस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन से। अगर आप लोगों ने भी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये बुक जरूर परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन भर्ती परीक्षा जो आपकी 2024 होगी उसके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति और अंक गणित के आपको यहाँ पे 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे हल सहित। 5 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल सहित, साथ में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप विषय सूची देख सकते हैं, सभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट एंड साथ में सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको ये बुक अवेलेबल होती है। तो जरूर आप लोग इसे परचेज करें। साथ में आप यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का कांस्टेबल स्टडी गाइड एंड यहाँ पे रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ एंड रेलवे सामान्य अध्ययन की भी अलग से बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे एएलपी, टेक्नीशियन एंड आपका ग्रुप डी, इसके साथ साथ कांस्टेबल की तैयारी में भी मदद करेगा। तो जरूर परचेज कीजिएगा, बेहतरीन बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके ऑलरेडी हैव एंड अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन करके अपना एएलपी एंड टेक्नीशियन का फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं, जिसमें एएलपी का भी अपडेट हो रहा है, बट टेक्नीशियन का भी जो है, सभी कैंडिडेट जिनका भी फॉर्म में यहाँ फोटो सिग्नेचर में प्रॉब्लम है उन्हें मेल आया है कि आपको जो है इसे अपडेट करना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, आप देखिए नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आया हुआ है एएलपी का, ये टेक्नीशियन का है, कि आप फोटो सिग्नेचर को जो है अपडेट कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। सभी कैंडिडेट्स अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, जिनको मेल या मैसेज आया वो भी, जिनका नहीं आया वो भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि एएलपी, टेक्नीशियन, जो आरपीएफ, तीनों के जो फॉर्म भरे गए थे यहाँ पे, एक बार आपने अकाउंट बना लिया, फोटो सिग्नेचर अपडेट कर दिया, तो वही आपका उसमें कंसीडर हो जाता था, उसका अलग से आपने अपलोड नहीं किया है। अब अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा सेम अकाउंट से, टेक्नीशियन का आपने फॉर्म भरा, इसके साथ आपने आरपीएफ का भी भरा, अब एएलपी में मेल ना आए, टेक्नीशियन में आ जाए या आगे आरपीएफ में भी आ जाए, तो आप सोचेंगे फोटो तो सेम था तो एएलपी का क्यों नहीं आया, क्या एएलपी का फॉर्म बिना फोटो सिग्नेचर का मैसेज आने ही, मतलब भेजा नहीं जाएगा, वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मेल आया है तभी आपको चेंज करना है। मान लीजिए आप टेक्नीशियन में आपको मेल आया, आपने चेंज कर दिया, तो एएलपी वाली प्रोफाइल में भी आपका फोटो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है? बट अब चेंज करने में आपको ध्यान रखना है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू बैकग्राउंड में, रेड बैकग्राउंड में, लाइट बैकग्राउंड में भी फोटो डाली थी एंड उनकी एक्सेप्ट हो भी गई है, ठीक है? कुछ का है नहीं एक्सेप्ट हुआ, जिनका नहीं एक्सेप्ट हुआ उन्हें फिर से अपडेट करना, और अपडेट करते टाइम अब आपको ध्यान देना है कि आप कोशिश करिए, अगर खुद से आप कर सकते हैं तो करिए, फोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करें, बैकग्राउंड बदलें, इन सब पे एक वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या आप अगर नहीं कर सकते खुद से तो आप साइबर कैफे से करवाइए, बट वहाँ से करवाते टाइम वो लोग जल्दबाजी में कर देते हैं, उनको पैसा बनाना होता है। आप एक बार देख जरूर लीजिएगा कि फ़ोटो किस तरह की आपकी क्लैरिटी आ रही कंप्रेस करने के बाद, और जो रिक्वायर्ड साइज़ है उसमें कोशिश करना आपको उतने साइज में रिसाइज करना है, बहुत छोटा भी नहीं करना है कि एकदम छोटा कर दें, फिर आपका वहाँ पे फिर वो ब्लर दिखेगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को नहीं करना है। आइए वो गाइडलाइन भी देख लेते हैं क्या है, एंड ये भी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको एएलपी में मेल नहीं आया बट टेक्नीशियन में मेल आया, तो आप टेक्नीशियन में क्या करेंगे, जाएंगे और लॉगिन करके चेंज करेंगे जब स्टार्ट होगा आपका 3 तारीख से तब, ठीक है? एएलपी का भी डेट चल रहा है, अगर एएलपी का आपको आया तो आप इसमें कर दीजिए, टेक्नीशियन एएलपी दोनों में आया तो आप दोनों में लॉगिन करके फोटो चेंज कर दीजिएगा, जो रिक्वायर्ड स्टेप आपको लॉगिन करने पे दिखे उसे आप जरूर कर दीजिएगा।
ये जो हेल्पलाइन के नंबर हैं इन पे कई बार फ़ोन मिलाने के बाद बात होने पे यही पता चला कि ये सब कुछ टेक्निकल। देखिए यहाँ पे एआई का टाइम है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब लोग जानते हैं। कई बार होता है हम फिंगर हमारे फेस लॉक होते हैं मोबाइल में, एक बार वही सेम फेस आप दिखाते हो, कई बार वो नहीं रिकॉग्नाइज करता, कई बार वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो सेम एआई है एंड कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ा बहुत एरर का चांस रहता है। तो एएलपी में हो सकता है जब फॉर्म को स्क्रूटनाइज किया गया उसके थ्रू तो उन फोटोज एंड सिग्नेचर को उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट टेक्नीशियन के केस में कई बार होता है वो रैंडमली जब उससे वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई तो वो फेस या सिग्नेचर में उसको कुछ फॉल्ट रिकॉग्नाइज हुआ और आपको एक एरर के तौर पे ऑटोमेटिकली मेल आ गया कि यस आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ उसी का फॉल्ट है, ऐसा कोई इंडिविजुअल इतने ज़्यादा फॉर्म को बैठ के एक इंडिविजुअल आदमी नहीं देख रहा है जो आपको ये बताएगा कि हाँ फोटो सिग्नेचर इनका गड़बड़, इनको मेल करो। ठीक है, इन सारी प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता, फिर महीनों कई महीने बीत जाते आपको मेल भी नहीं आता, पहले वो स्क्रूटनाइज ही होता रहता मैनुअली। तो ये सब कुछ एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में होता है तो उसमें कई बार कुछ एरर हो जाती, क्योंकि 2-4% 10% की एरर हर टेक्नोलॉजी में होती है, वो चाहे जो भी हो। ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर एलपी में आया तो एलपी में चेंज करिए, टेक्नीशियन में आया टेक्नीशियन में करिए, क्योंकि फोटो तो अपलोड आपने सेम की है दोनों में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं क्या हम सेम फोटो दोबारा अपलोड कर देंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोशिश करिए सेम फोटो तो ना ही करिए। ठीक है, उसी फोटो को आप फिर से लीजिए, फोटो उसकी स्कैन कीजिए प्रॉपर, फिर से रिसाइज करके डालिए, बट कोशिश करिए को सेम फोटो जो आपने रिसाइज करके रखा हुआ उसे ना अपलोड करें, और बैकग्राउंड का ध्यान रखें, आइए उस पर भी चर्चा कर लें। ये है इसका पूरा डिटेल कि आपका ये रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, साइज इसका 35mm x 45mm होना चाहिए, 320 से 240 पिक्सल का होना चाहिए। ये सब आप रिसाइज कर सकते हैं पेंट में, ठीक है, या आप मोबाइल में भी फोटो एडिटर में कर सकते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा, इसके अलावा कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। साइज थोड़ा सा कम दिया गया, 30 से 70 KB में आपको कंप्रेस करना। आप मान लीजिए आपने कोई फोटो ली 1 MB की है वो, ठीक है, तो उसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप रिसाइज करेंगे इस पिक्सल में, ठीक है, फिर उसको आप और रिसाइज करेंगे। अगर आप मोबाइल से या कंप्यूटर से ना कर पाएं तो आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल होते हैं वहाँ पे भी आप रिसाइज कर सकते हैं, आप वहाँ पे इवन बैकग्राउंड भी रिमूव करके वाइट कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेल्फी ले लिया ऐसा कुछ, उससे भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। उसमें आपका फ्रंट व्यू प्रॉपर दिखना चाहिए बिना कैप या डार्क ग्लासेस के, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके जो बाल हैं वो दिखने चाहिए, कपड़े ज्वेलरी साइडो ये सारी चीज़, मास्क वगैरह आप ना बनाए हों, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड फेसियल हेयर जो उससे आपका पूरा ऐसा ना हो, फेस कवर हो रहा हो, तो ऐसा भी आपका नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का एक क्राइटेरिया होता है, जैसे इस तरह का आपका फ़ोटो का फ्रेम है तो इन बिटवीन आपका फेस हो, ऊपर एक गैप हो, ठीक है, फिर आपका इस तरह से फ़ोटो हो जिसमें आपके कंधे दिख रहे हो, यहाँ दोनों कान भी कोशिश हो विजिबल हों आपके, एंड बैकग्राउंड आपका वाइट हो, ये फ़ोटो होना चाहिए इस साइज में, ये आपका फ़ोटो का क्राइटेरिया है। अब सिग्नेचर के क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे 60 x 140 रखा गया पिक्सल, एंड साइज की बात करें तो 50 x 20mm रखा गया है। इसको भी आप आसानी से रिसाइज कर सकते हैं, साइबर कैफे से करवा सकते हैं, और 30 से 70 KB तक में आपको करना है। ठीक है, तो फोटो सिग्नेचर भले आपने सेम अपलोड किया था बट जिसमें भी आपको मेल आया है लॉगिन करके आप लोग चेंज कर दीजिएगा, जिन्हें मेल नहीं आया है आप लोग भी लॉगिन करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो आप ना चेक करें या किसी रीजन से आपका मेल स्पैम फोल्डर में गया इनबॉक्स से हटके और आप इस चीज़ से वंचित रह जाएं, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी अपनी तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि एग्जाम जिस तरह से प्रोसेस चल रहे हैं एलपी का एग्ज़ाम आपका पूरा चांस है जून में हो जाएगा, जून जुलाई में, एंड टेक्नीशियन के एग्ज़ाम भी आपको उसके बाद देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्ज़ाम होंगे, एंड इसी बीच में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी भी जारी की जाएगी रेलवे की तरफ से। तो ये सारी अपडेट हैं, चैनल पे आप लोग बने रहेंगे, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बाकी करने के लिए आपको सिंपली यहाँ आना है, जो आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड है कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको अपडेट फोटो सिग्नेचर करके एक साइड में ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको अपडेट कर देना है। जिन कैंडिडेट्स को ऑप्शन नहीं मिलता है, मेल मैसेज नहीं आया है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है। अब टेक्नीशियन के केस में अगर यहाँ बात करें डेट की, तो डेट आपका कब रहेगा टेक्नीशियन में, तो डेट आपका जो रखा गया वो रखा गया है 3 जून से लेके 7 जून 2024 तक, उससे पहले पहले आप लोगों को कर लेना है। बाकी एएलपी का भी चल रहा है उसका आप लोग कर लीजिएगा, टेक्नीशियन का जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 जून से, तब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से आके कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी तरह की लिंक प्रोवाइड कर दी, वहाँ से आप जाके आसानी से विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।